thank you so much. मैं बहुत honored हूँ actually and the moment I got to know this award function के बारे में very thankful to Power Brands. मैं हैदराबाद में आज morning से shoot कर रही हूँ. 6:20 की flight थी, got delayed. मैंने technically airport पे change किया ना, come straight here. So it's bonkers and वापस 2:30 midnight flight back to Hyderabad and 6 a.m. shoot. So everything's playing in my head, but I'm very thankful and thank you for staying back. I am actually very excited Telugu film ke liye. It's called Hippie and jo main aapko bata sakti hu is that ki ye love story hai and main bahut hi different look mein nazar aaungi. It's very entertaining and I am genuinely looking forward to it. It's like a what do you say, khali because there's everything thoda thoda. I'd say that most likely because एक लेवल पे टेलीविजन में एस्टैब्लिश होने के बाद जब फिल्म्स में स्क्रैच स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट एटलीस्ट मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आई जस्ट कम इन टू दिस शो बेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लूजिंग वेट टू बहुत सारी चीज़ें जो फिनोमेनाज इस मीडियम में डिफरेंट हैं उन सबसे कोप अप करना एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था. बट आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज दैट शुड नॉट लॉट ऑफ पीपल कुड. डिफ़िकल्ट है टेलीविजन से बॉलीवुड में स्विच करना एट 20 एंड लकीली दोनों फिल्में एक दिन पर रिलीज हुई. सो आई एम जस्ट हैप्पी समथिंग वेरी सून आई कैन प्रॉमिस यू. वैलेंटाइन नहीं है यार, जिनका भी है वो प्लीज़ शौक से मनाए. मुझे तो फिलहाल पहले वैलेंटाइन ढूंढना पड़ेगा बट वैलेंटाइंस डे पे एंड उसके आसपास कुछ बहुत स्पेशल हो सकता है दैट आई कैन टेल. Thank you. Wish me a Valentine, yeah. Thank you. मैं अरिंदम सर और रजिता मैम के कॉलेज का पास आउट स्टूडेंट हूँ IIFM का और मुझे खुशी है आज की उसी कॉलेज से सीख के आज उन्हीं टीचर से मुझे अवार्ड मिला एंड थैंक्स टू यू गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम डे वन. सारे गानों को प्यार करने के लिए, सारे गानों को सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू एवरीबॉडी. आई थिंक जिस साल में जो भी हुआ है मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 2012-13 से जब से मैंने गाना शुरू करा और इतना प्यार ऑडियंस का मिला एंड आई फील ब्लेस्ड कि भगवान की इतनी मेहर है कि आई एम एबल टू रिप्रेजेंट माई कंट्री ऑन इंटरनेशनल लेवल. और अगर आप सबका प्यार मिलता रहा तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे गाने बनाते रहेंगे और अच्छा म्यूज़िक सर्व करने की और कोशिश रहेगी. नया अभी द रीसेंट सॉन्ग वी हैव डन द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैट्स विद पिटबुल सर वो अभी इसी साल का रिलीज़ है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में और आई थिंक हम सब उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं. मी भूषण सर एंड एवरीबडी टी सीरीज एंड आई थिंक सारा इंडिया एक्साइटेड है उस कोलैबोरेशन के लिए और वी लुक फॉरवर्ड टू सर्व गुड म्यूजिक फॉर एवर. अरे वैलेंटाइन वीक चल रहा है, दिया फूल किसी को? मेरे लिए आई थिंक सारे वीक ही वैलेंटाइन वीक है. मेरे को हर शो पे फूल मिलते हैं, मेरे को हर शो पे इतना प्यार मिलता है कि मेरे लिए सारा साल ही वैलेंटाइन है. और हाँ, जिनकी बात बन रही है वैलेंटाइन वीक में उनको गुड लक और जिनकी नहीं बन रही वो अगली बार फिर ट्राई करो. रिवील क्या मेरी लव लाइफ? अच्छा आप कैमरे ऑन है ना सारे? अरे हाँ देखो इनकी न्यूज़ के लिए. हाँ मेरी लव लाइफ आई थिंक दैट्स म्यूजिक, दैट्स माय लाइफ फॉर एवर. और जिस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी दी है, जिस चीज़ ने मुझे रोटी दिया, जिस चीज़ ने मेरे को आपके लोगों आप तक पहुँचाया है, टीवी तक पहुँचाया, आई थिंक म्यूजिक इज़ माई लाइफ फॉर एवर. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू. ओ सुन मेरी रानी रानी, ओ बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा. ओ बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूं. Thank you so much. You know, this is one of the best awards I can say because
That's true, y'all are very harsh. And y'all are being kind. And that puts a lot of pressure to do a better job for the next one. And I'm grateful to the entire jury to think that Baghi 2 deserved this award. And we really worked hard for it. Well, we are. I've just finished scripting the film. It was a task because Baghi 2, when people saw, what I learned is they definitely appreciated the action, what they had come there for. But I wanted them to see the story and they loved the story also. So, un log khud ko laga ki action film mein itni achhi story ho sakti hai. So this, we had to work really hard for 3, and I'm done with my third installment, and I'm ready to go and get ready to fight. There is a lot of rumors about the leading lady of the film. You need to clarify it once and for all. Like once, isko kisi aapne bata diya? Dekhiye, Baghi is a very alpha male film. Usme ladki choose karna is like waqai mein ek dulhan dhoondne barabar. But since one had Shraddha, she was pretty, she's a great actor. Two had Disha, again a very gorgeous looking girl. So 3. We will be announcing soon. Yeah, kind of. So it's been locked from a while, but I was just waiting for the script to get over. Ek baar meri script khatam ho jaye, then I would tell her ke you are, of course, locked for the film, but this is the role you'll be playing. So ek hota na ke she has to be happy also. So by in a day or two, probably everybody will get to know whether she's happy or no. Yeah, absolutely. You know, when you see जब third part बनता है किसी film का, तो obviously उस film को लोगों ने बहुत पसंद किया. और जब third part आने वाला है, तो you have to know that it is just not a cakewalk. तो the pressure is too much in terms of it's not a story film, it's not a normal film, it's an action film. So action का range हॉरर फिल्म में तो आप इतना डरा हो कि डरा सकते हो, हंसा सकते हो, बट एक्शन हैज़ टू कीप ग्रोइंग. सो द प्रेशर इज सो मच फॉर बागी 3. दे थिंक दैट वी आर मेकिंग मिशन इम्पॉसिबल 6, यू नो वी आर मेकिंग रैम्बो 3. नेवरदलेस वी विल नॉट ब्लिंच, वी विल नॉट थिंक ट्वाइस टू कॉम्पीट विद दोज फिल्म, बिकॉज इंडियन सिनेमा इज दैट बिग टूडे. एंड बागी 3 में प्रेशर है बट उतना ही मज़ा है. एंड यू विल सी दैट हाँ यार, हम खरे उतरे अपने मुकाम पे. सी देयर आर सो मेनी फिल्म्स व्हिच कीप रिवॉल्विंग. इंडस्ट्री छोटी है, जब आपकी फिल्म चल जाती है तो यू ऑफर 5, 6, 7, 8, 10 फिल्म्स. अब मेरी इसमें था कि मुझे भी काफ़ी फिल्में ऑफर हुई हैं, लेकिन मैंने साइन कोई भी फिल्म नहीं की है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बागी 3, बिकॉज बाई इट सेल्फ इज अ ह्यूज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई डोंट वॉन्ट टू डिविएट फ्रॉम दैट, बट नेवरदलेस 2-3 फिल्में पाइपलाइन में हैं, बट आई हैव नॉट जीरो डाउन ऑन एनी फिल्म. माई वाइफ वॉन्ट्स मी टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बागी 3. घर पे बागी 3 डिस्कस नहीं होती, ऑफिस में होती है. मैं बहुत खुश हूँ. कोई भी अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो लोग देखते हैं हमको, हमें उनसे एप्रिसिएशन चाहिए होती है. और ये अवार्ड एक प्रकार का एप्रिसिएशन है कि लोगों ने हमें पसंद किया, हमारा काम पसंद किया. सो आई एम वेरी हैप्पी. अभी बहुत सारे नहीं मिले, अभी मिलने बाकी हैं. हाँ, बहुत अच्छा लगता है. और बहुत सालों के बाद एक मुझे अवार्ड मिला करते थे सांस के ज़माने में, जो 17-18 साल हो गए, उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया पर अवार्ड नहीं मिले. सो बहुत अच्छा लग रहा है अभी.
मैंने एक फिल्म साइन की है जिसका नाम है ग्वालियर, जो मैं अभी शूटिंग करने जाऊंगी मार्च एंड में. और मैंने एक टीवीएफ की वेब सीरीज साइन की है विद रघुवीर यादव, जो मैं अभी करने जाऊंगी. बाकी अभी मैं स्क्रिप्ट्स देख रही हूं और कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ. मेरा हस्बैंड तो मानता ही नहीं है वैलेंटाइन डे, तो पता नहीं कुछ तो होगा नहीं. आई थिंक नॉर्मल डे ही जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.